गांधी संग्रहालय, गांधी म्यूजियम, ये पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। ये बात उस समय की है जब बापू 1917 में चंपारण जाते समय पटना में रुककर आगे सफ़र किए थे। ये जब उस समय वो आए तो वो आज़ादी से पहले आंदोलन बहुत सारे किए, तो उन्हें बहुत सारे अदर स्टेट में ही जाना पड़ा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पटना में ही उनकी गांधी म्यूजियम है, नहीं, दिल्ली में भी है, अदर जगह भी है, बहुत अच्छी जगह ये। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल से बताया गया है, इसमें इस म्यूजियम में सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने किस तरह, कब क्या आंदोलन हुई, कब किस आंदोलन की शुरुआत हुई, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे खास बात कि ये गांधी म्यूजियम में जो है बापूजी की जो पुराने यादें हैं, देखिए उनके जूते, उनके चप्पल, उनके कपड़े, ये सारे इसमें दिए गए हैं। और वो कैसे, वो क्या, कब खाना वगैरह क्या था उन समय में, कैसे वो पुराने पैसे का यूज़ करते थे, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। आप देखिए इस म्यूजियम में भी कौन सी किताबें पढ़ा करते थे, कैसे पैसे यूज़ किया करते थे, और इस जो म्यूजियम में है हमारे जो संविधानिक किताब है वो भी है। नमक सत्याग्रह कब हुआ उसको देखिए पूरे डिटेल्स में बताया गया है। मैं तो उतना आपको बता नहीं सकता क्योंकि अब वीडियो हमको बनानी थी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है। उनके पूरे जीवन पर आधारित ये पूरी म्यूजियम है। वो ही नहीं, और भी जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, अब पटना में कौन कौन हमारी पुरानी जो भी जगह है, जैसे गोलघर आज़ादी से पहले बनी थी, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। उन्होंने क्या, कभी किस चीज़ों का यूज़ किया, चाहे वो कपड़ा पहनना हो, क्या खाना, किस में खाना खाते थे, क्या औजार रखते थे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखिए इस म्यूज़ियम में रखा गया है। तो मैंने डिटेल्स में डिटेल वीडियो बनाया, मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो अब देखें इसमें कि जो भी उनकी पुरानी यादें हैं इस म्यूज़ियम में हैं, और वो क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ इसमें बताए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग आके घूमते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें 1 रुपये भी नहीं लगते हैं। आप आए, एंटर करें और देखें, घूमें, आपको, अब बहुत ही लंबी भी है, ठीक ठाक है, यहाँ पे बहुत से लोग आके देखते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो भी अपना नॉलेज गेन करते हैं, और बहुत अच्छी है ये, बहुत सारे लोग आके यहाँ पे घूमते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि टूरिज़्म के तौर पर, वो लोग भी यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं।